नेपाल भले ही चीन के इशारे पर भारत से रिश्ते बिगाड़ रहा हो, लेकिन भारत अपने पड़ोसियों की तरक्की में अपने योगदान की परंपरा का पालन अभी भी कर रहा है। नेपाल लगातार भारत के साथ विवाद करता है, कभी जमीनों पर कब्जा करता है, कभी विवादित बयान देता है, लेकिन उसके बावजूद भारत उसकी मदद से पीछे नहीं हट रहा। इसी के चलते भारत ने नेपाल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 2 DEMU ट्रेनें दे दी हैं। ये ट्रेनें भारत सरकार की पॉलिसी मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के तहत नेपाल के लिए खास बनाई गई हैं। भारत के कोंकण रेलवे ने 1600 हॉर्स पावर की 2 DEMU ट्रेनें 18 सितंबर को नेपाल के रेलवे डिपार्टमेंट को सौंप दी। कोंकण रेलवे ने नेपाल को 2 ट्रेनें देने के समझौते पर 10 मई को नेपाल के रेलवे डिपार्टमेंट के साथ दस्तखत किए थे। ये ट्रेनें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाई गई हैं। दोनों ट्रेनों में AC कंट्रोल प्रोपल्शन सिस्टम लगे हैं। इनकी कीमत 52.46 करोड़ रुपए है। हर एक ट्रेन में एक डीजल पावर कार, एक डीजल ट्रेलर कार और 3 ट्रेलर कार हैं। इनमें एक एयर कंडीशनिंग कार भी शामिल है। कोंकण रेलवे की टीम दोनों ट्रेनों को भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर रेलवे स्टेशन तक लेकर गई। कोंकण रेलवे ने अपने बयान में कहा कि उसे नेपाल के रेलवे डिपार्टमेंट और वहाँ की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ काम करके खुशी हुई। इसके साथ ही नेपाल के लोगों ने दोनों ट्रेनों का रास्ते में जनकपुर स्टेशन पर स्वागत किया। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद इन नई रेलगाड़ियों को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। यानी कि नेपाल की जनता खुश है भारत और नेपाल के बीच रिश्ते को लेकर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और लिखा कि नेपाल के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। अपने इसी संबंधों को नया आयाम देते हुए रेलवे द्वारा नेपाल को 2 DEMU ट्रेन सेट दिए गए। इनका उपयोग जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल तक की रेल यात्रा के लिए किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को लाभ होगा। ये हिमालयी राष्ट्र में सबसे बड़ी लाइन की रेल सेवा होगी। लेकिन नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत द्वारा इतनी मदद किए जाने के बावजूद नेपाल फिराक में है भारतीय गांव में झंडा फहराने की। लेकिन भारत नेपाल की हर मुश्किल परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है और ये बताता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। ऐसे में ओली कब सुधरेंगे, कब छोड़ेंगे चीन के इशारे पर चलना? इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।